हाय, मैं हूँ अमृता। और फ्लाई टू इस मूवी की शुरुआत फ्लाई वन के कुछ महीने के बाद होती है, जहाँ पे हम सेठ की गर्लफ्रेंड वेरोनिका को देखते हैं, जो कि बार्टोक इंडस्ट्री के ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं। वो खुद के और साइंटिस्ट सेठ के बेबी को जन्म देने वाली थी, जहाँ पे डिलीवरी के टाइम पे बेबी ह्यूमन बेबी के जगह पे एक लार्वा सैक को वो जन्म देती है, क्योंकि लास्ट पार्ट में सेठ का डीएनए एक फ्लाई के साथ मिक्सअप हुआ था और उसके बाद ये लोग इंटीमेट होने के कारण अब वेरोनिका का बेबी भी एक इंसेक्ट जैसा था। और ये सब कुछ देख के वो सदमे से मारी जाती है। फिर कुछ सर्जन उस लार्वा सैक को खोलकर उसमें से एक ह्यूमन बेबी को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद बर्टोक इंडस्ट्री के सीईओ एंटोन बर्टोक उस बेबी को अडॉप्ट करता है और उसका नाम मार्टिन रखते हैं। और इन्हीं की कंपनी सेठ के टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट को फंड कर रही थी। दरअसल बर्टोक चाहते थे कि मार्टिन जब बड़ा हो जाए तब वही अपने पिता के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करें, इसीलिए उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। अब देखते ही देखते हम 11 महीने के बाद देखते हैं, जहां पे डॉक्टर जेनफे बर्टोक को मार्टिन के रेयर डिजीज के बारे में बताते हैं, यानी ब्रूडल एक्सेलरेटेड ग्रोथ सिंड्रोम, जिसकी वजह से मार्टिन बाकी बच्चों के कंपैरिजन में ज्यादा ही तेजी से बड़ा हो रहा है और ये डिजीज उसे उसके पिता के म्यूटेंट डीएनए से मिला था। आगे वो ये भी बताती है कि मार्टिन के पास फोटोजेनिक मेमोरी है, वो फिजिकली और मेंटली काफी तेज है और इसी के कारण उसे नींद की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब वक्त के साथ साथ मार्टिन बड़ा होता है, लेकिन अपने डिजीज की वजह से वो 3 साल की उम्र में ही 10 साल का लग रहा था। मार्टिन कभी कभी चुपके से बर्टोक कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लोर किया करता था और इसी तरह एक दिन वो शेफर्ड के कंप्यूटर को हैक कर जोन 4 में चला जाता है और इसी एक्सपेरिमेंट के कारण वहाँ पे काफी सारे इंसेक्ट और एनिमल होते हैं। वहाँ जाके वो एक डॉग से मिलता है जो कि उसे बहुत ही पसंद आता है, इसीलिए अगले दिन मार्टिन अपने फूड से कुछ खाना बचाकर उस डॉग के पास लेके जाता है, लेकिन वो डॉग उसे वहाँ पे नहीं मिलता। तब मार्टिन को पता चलता है कि वो डॉग को बेस 17 जोन में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसके बाद मार्टिन उसी जगह जाता है जहाँ पे वो देखता है कि कुछ साइंटिस्ट डॉग को टेलीपोर्टेशन मशीन में लेके जा रहे थे और डॉग को एक पॉड से दूसरे पॉड में ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और इस एक्सपेरिमेंट में वो साइंटिस्ट सफल भी हो जाते हैं। लेकिन जब एक साइंटिस्ट दूसरे टेलीपोर्ट को चेक करता है तब वो देखता है कि वो डॉग काफी भयानक हो चुका है। ये देख मार्टिन काफी डर जाता है और वहां से भागता है। अब देखते देखते समय बीतते जाता है और हम मार्टिन का 5th बर्थडे देखते हैं, लेकिन मार्टिन के एज के डिजीज के कारण वो 5 साल के बजाय 20 साल का लग रहा था। बर्टोक फिर मार्टिन को उसके बर्थडे पर एक प्राइवेट हाउस गिफ्ट करता है और उसे अपनी कंपनी में एक जॉब भी ऑफर करता है, जिसे मार्टिन बहुत ही खुश होता है। कुछ समय के बाद बर्टोक मार्टिन को उसी टेलीपोर्टेशन मशीन के पास लेके आता है और एक एप्पल को टेलीपोर्ट करते हुए दिखाता है, लेकिन वो एप्पल ठीक से टेलीपोर्ट नहीं होता और खराब हो जाता है। बर्टोक फिर मार्टिन को उसके डैड की कुछ वीडियो टेप्स भी दिखाता है और उसे अपने पिता का अधूरा प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कहता है, जिसके बाद मार्टिन अपने पिता की वीडियो टेप्स देखने लगता है और मशीन का जो मेन फ्रेम कंप्यूटर रहता है उसमें कुछ प्रोग्राम को वो फिक्स करता है, जिसके बाद वो अपने पास रखे टेलीफोन को टेलीपोर्ट मशीन में रखता है और उसे सक्सेसफुली टेलीपोर्ट कर देता है। अगले दिन मार्टिन की मुलाकात बेट से होती है, जो उसी कंपनी में एम्प्लॉई होती है। दोनों भी बातें करते करते दोस्त बनते हैं और मार्टिन उसे बताता है कि वो जब से 5 साल का है तब से यहाँ पे काम कर रहा था और तो और उसकी कंडीशन के कारण वो कभी भी सोता नहीं है। और ये सब कुछ सुन बेट काफी हैरान होती है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। अब इसके बाद वो उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और बेट से उसका जो कैक्टस का प्लांट होता है वो लेता है और उसे अपने साथ अपने लैब में लेके जाता है और कैक्टस को टेलीपोर्ट मशीन में रखता है, लेकिन वो कैक्टस ठीक से टेलीपोर्ट नहीं होता और मशीन ओपन होने के बाद वो देखते हैं कि वो पूरा खराब हो गया है, इसीलिए वो बेट से माफी मांगता है और बेट गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। अब थोड़े समय के बाद मार्टिन बेट से मिलने आता है और उसे बताता है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है, इसीलिए वो बेट से दोस्ती करना चाहता है, जिसके बाद बेट मार्टिन को अपने दोस्त के रूप में एक्सेप्ट करती है। अब कुछ समय के बाद हम डॉक्टर जेनवे को मार्टिन के हाथ से ब्लड निकालते हुए देखते हैं, तभी ब्लड से निकलते हुए इंजेक्शन की नीडल मार्टिन के हाथ में ही टूट जाती है, जिसके बाद मार्टिन ब्लड निकालने से मना करता है। अब अगले दिन मार्टिन बेट की पार्टी में जाता है, जहाँ पे वो काफी अनकंफर्टेबल फील करता है,
इसीलिए वो वहाँ से थोड़ा आगे जाता है जहाँ उसे वही डॉग दिखाई देता है जिसे उसने बचपन में देखा था टेलीपोर्टेशन मशीन के पास। मार्टिन फिर डॉग के पास जाता है और तब वो डॉग उसके ऊपर भौंकने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो डॉग मार्टिन को पहचान लेता है। और यहाँ पे पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट की वजह से डॉग की हालत पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। मार्टिन को उस डॉग का दर्द देखा नहीं जाता, इसीलिए वो उसे इस दुनिया से मुक्ति दे देता है। जिसके बाद मार्टिन वापस लैब में आकर टेलीपोर्ट मशीन को ठीक करने में लग जाता है और वो बेट को मशीन के यहाँ पे आने के लिए कहता है। बेट जब वहाँ पे आ जाती है तब मार्टिन एक कैट को टेलीपोर्ट करने का डिसाइड करती है, लेकिन बेट ये सुनते ही उसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन मार्टिन को खुद पर भरोसा होता है कि कैट सक्सेसफुली वो टेलीपोर्ट कर सकता है, और ये देख बेट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। ये देख बेट को भी थोड़ा दिलासा मिलता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से काफ़ी क्लोज आते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। अब अगली सुबह बेट मार्टिन के हाथ पर एक इन्फेक्शन नोटिस करती है, लेकिन मार्टिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मार्टिन फिर अपने कंप्यूटर में अपने म्यूटेंट डीएनए को क्योर करने के लिए सर्च करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि अगर वो किसी हेल्दी इंसान को अपने साथ टेलीपोर्ट मशीन में डालेगा तो वो शायद ठीक हो सकता है, यानी उसे ठीक होने के लिए उसे किसी दूसरे इंसान का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मार्टिन फिर देखता है कि उसके इन्फेक्शन और भी ज़्यादा फैलने लगा था, जिसके बाद वो डॉक्टर शेफर्ड के पास जाता है। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये एक नॉर्मल इन्फेक्शन है, लेकिन मार्टिन उनसे कहता है कि ये कोई नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं है और उसके म्यूटेटेड डीएनए के कारण ये हो रहा है। तो वही दूसरी जगह बार्टॉक की सारी बातें सुन रहे होते हैं। तब डॉक्टर जेनवे बार्टॉक को बताती है कि मार्टिन की बॉडी बदल रही है और वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बेट मार्टिन से मिलने जाती है, लेकिन मार्टिन का डोर ओपन नहीं होता। तभी वहाँ पे स्कॉर्बी नाम का गार्ड आता है जो उसे दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने का लेटर देता है और एक डीवीडी देता है। बेट के लिए ये काफ़ी अजीब चीज़ होती है, लेकिन वो अपने प्रोजेक्ट पे काम करने लगती है। और थोड़ी देर के बाद वो मार्टिन को और मार्टिन बेट को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंपनी उनके कॉल को उन तक पहुँचाने नहीं दे रही थी। जिसके बाद मार्टिन टेलीफोन को हैक कर बेट को कॉल लगाता है। तब बेट मार्टिन को बताती है कि उसका ट्रांसफर हो गया है और उसे एक डीवीडी मिली है जिसमें उन दोनों के पिछली रात का वीडियो है। ये बात सुन के मार्टिन काफी गुस्सा होता है और अपने रूम में जाकर हिडन कैमरास को ढूंढने लगता है और कैमरा मिलते ही उसे तोड़ देता है और इसकी खबर बैठे हुए वर्कर्स बार्टॉक को देते हैं। मार्टिन फिर उसी रूम में जाता है जहाँ से उस पर नजर रखी जा रही थी, और मार्टिन को वहाँ के कंप्यूटर में उस रात के रिकॉर्डिंग के अलावा उसके बचपन की भी सारी रिकॉर्डिंग मिलती है। इसके बाद मार्टिन को रियलाइज होता है कि बार्टॉक बचपन से ही उसके ऊपर नजर रखे हुए था, और वहाँ पे उसे उसके पिता की रिकॉर्डिंग भी मिलती है जिसमें वो बताते हैं कि टेलीपोर्ट के वक्त उनके साथ मशीन में एक मक्खी आ गई थी, जिसके वजह से कंप्यूटर ने उन दोनों के भी डीएनए को कंफ्यूज कर उन दोनों को भी मर्ज कर दिया था और इसी वजह से वो एक क्रीचर में बदलने लगे थे। मार्टिन ये रिकॉर्डिंग देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे बार्टॉक आ जाता है जो उसे बताता है कि मार्टिन जल्द ही एक क्रीचर में कन्वर्ट होने वाला है, और मार्टिन की मदद से ही बार्टॉक पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। ये सुनकर मार्टिन को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो बार्टॉक को अपने पिता की तरह समझता था। ये सब कुछ सुनने के बाद वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने स्कॉर्बी आ जाता है उसका गार्ड, जो उसे एक पंच मारता है। लेकिन मार्टिन गुस्सा हो जाता है और गार्ड को मारकर वहाँ से भाग जाता है। इधर बार्टॉक साइंटिस्ट को टेलीपोर्ट मशीन स्टार्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब साइंटिस्ट उसे स्टार्ट करते हैं तब कंप्यूटर एक मैजिक वर्ड मांगता है जिसका मतलब होता है कि मार्टिन ने कंप्यूटर को पासवर्ड से लॉक कर दिया था और मार्टिन के अलावा उसे और कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन भागते हुए बेट के घर जाता है और उसके हेल्प करने के लिए कहता है। बेट मार्टिन को देख उसे मेडिसिन लेने के लिए कहती है। तब मार्टिन उसे बताता है कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि वो एक क्रीचर में बदल रहा है। वहीं दूसरी जगह पे स्कॉर्बी मार्टिन को ढूंढते हुए बेट के घर पहुंचता है, लेकिन वो दोनों उसके पहुंचने से पहले ही वहां से निकल जाते हैं। इधर बेट मार्टिन को लेकर बोरोंस के घर पहुंचती है। बोरोंस यानी मार्टिन की माँ वेरोनिका का एक्स बॉस रहता है। बोरोंस दरवाजा नहीं खोलता तो मार्टिन उसे बताता है कि वो सेट का बेटा है। ये सुन बोरोंस डोर ओपन करता है, लेकिन मार्टिन को देख वो काफी हैरान होता है कि 5 साल के उम्र में ही वो काफी बड़ा लग रहा था और वापस उस झमेले में नहीं पड़ना है, इसीलिए वो दरवाजा बंद करता है। लेकिन मार्टिन उसकी मदद मांगने लगता है
इसके बाद मार्टी इंडोर की विंडो तोड़कर अंदर चला जाता है और बोरोन से मदद करने के लिए कहता है। बोरोन उसे बताते हैं कि तुम्हारे पिता ने मेरी गर्लफ्रेंड यानी वेरोनिका को उससे छीन लिया था और जब वो क्रीचर में बदल गए थे तब उन्होंने उसका हाथ जला दिया था। बोरोन फिर बेट को उसकी जीप की की देता है और वहां से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। बेथ फिर मार्टिन को लेकर एक होटल में जाती है और छुपने के लिए एक रूम बुक करती है, लेकिन तभी टीवी पर उन दोनों की न्यूज चलने लगती है कि ये दोनों भी कंपनी में चोरी करके भागे हुए हैं, जिसके बाद बेट वहां से बाहर आ जाती है और वह देखती है कि मार्टिन कार में नहीं है और वहां से भाग रहा है। बेट भी भागते हुए मार्टिन के पास जाती है और उसे कहती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। अब दोनों भी होटल रूम में रुकते हैं और जब रात में बेट की आँख खुलती है तब वो देखती है कि मार्टिन की बॉडी पूरी तरीके से बदलने लगी थी और वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगा था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी बेट को बार्टोक यानी मार्टिन के पिता को कॉल लगाना पड़ता है। अब अगले सुबह बार्टोक अपने टीम के साथ वहां पहुंचता है और मार्टिन से कंप्यूटर का पासवर्ड पूछता है, लेकिन मार्टिन बिना कुछ बताए ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो मार्टिन को बार्टोक इंडस्ट्री के लैब में लेके आता है जहाँ मार्टिन पूरी तरीके से कुकून में बदल गया होता है। वही दूसरी तरफ बार्टोक बेट से उस मैजिक वर्ड के बारे में पूछता है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता। इधर डॉक्टर जेनवे कुकून से टेस्ट के लिए कुछ फ्लूइड निकालती है, लेकिन तभी कुकून टूटने लगता है और उसमें से एक क्रीचर बाहर निकलता है, यानी अब मार्टिन पूरी तरीके से एक क्रीचर में बदल गया होता है और वो डॉक्टर जेनवे पर हमला कर उन्हें मार देता है। थोड़ी देर के बाद ही डॉक्टर शेफर्ड डॉक्टर जेनवे से मिलने के लिए उनके रूम में जाते हैं जहाँ पे उन्हें डॉक्टर जेनवे की लाश मिलती है। अब वो डरते हुए बाहर आते हैं और स्कॉर्पी जो गार्ड रहता है उसे सारी हकीकत बताते हैं कि मार्टिन अब कुकून से बाहर निकला है। स्कॉर्पी फिर बार्टोक को मार्टिन के बारे में बताता है। इसके बाद बार्टोक मार्टिन को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी भेजता है और जब एक डॉग मार्टिन को ढूंढते हुए उसकी जगह तक पहुंचता है तब मार्टिन उसके पास आता है और उसके सर को सहलाने लगता है। मार्टिन फिर डॉक्टर शेफर्ड के पास जाता है, फिर डॉक्टर शेफर्ड उसके पास जाता है लेकिन मार्टिन उसे मार देता है। इधर मार्टिन सीसीटीवी में कैप्चर हो जाता है और सारे गार्ड्स उसके पीछे लगते हैं, लेकिन मार्टिन उन्हें भी मार देता है और बार्टोक के पास पहुंचता है। स्कॉर्पी मार्टिन को देख उस पर फायर करने लगता है, लेकिन तभी बार्टोक स्कॉर्पी को पकड़ लेता है और फायरिंग से रोक लेता है। इसी बीच स्कॉर्पी का एक साथी लिफ्ट से दबकर मारा जाता है। स्कॉर्पी फिर गुस्से में आकर अकेले ही मार्टिन को मारने जाता है, लेकिन मार्टिन उसे मार देता है। जिसके बाद बार्टोक स्कॉर्पी की गन लेता है और मार्टिन को शूट करता है, जिसे वो जमीन पर गिर जाता है। फिर वो मार्टिन के पास आता है लेकिन तभी मार्टिन बार्टोक को पकड़ लेता है और कंप्यूटर पे अपना मैजिक वर्ड टाइप करता है जो कोई और नहीं बल्कि डैड होता है। यानी वो अब तक बार्टोक को एक डैड की तरह यानी पिता समान समझता था, लेकिन बार्टोक ने हमेशा उसे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए ही बड़ा किया था। और मार्टिन बार्टोक को लेकर टेलीपोर्ट मशीन में जाता है। तब तक वहां पे बेट आ जाती है और वो बेट को मशीन चालू करने का इशारा करता है, जिसके बाद बेट मशीन चालू करती है। एक मशीन में बार्टोक रहता है और दूसरे मशीन में मार्टिन। मशीन चालू होने के कारण दोनों भी एक दूसरे के टेलीपोर्ट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और जब बेट वहां जाकर चेक करती है तो वो देखती है कि मार्टिन अब सक्सेसफुली इंसान बन चुका होता है, यानी उसने जो अपने म्यूटेटेड डीएनए को ठीक करने का तरीका ढूंढा था वो बार्टोक की मदद लेता है, जिसके हमेशा से ही इंटेंशन गलत होते हैं। तो वही दूसरी जगह बार्टोक एक क्रीचर में बदल गया होता है। अब आखिरी में हम देखते हैं कि बार्टोक को उसी शेल में रखा जाता है जहाँ पर मार्टिन का डॉग था और मार्टिन एक इंसान बन गया था, इसीलिए वो काफी खुश था और बेट के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करता है। और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय बाय।